इस चालीसा काल के दौरान मेरी यही प्रार्थना है कि आपका चालीसा का काल सुखद और आशीर्वाद भरा हो। सबों को जय सु। प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया में चालीसा का पहला रविवार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर माता कलीसिया आज के पाठों के द्वारा हमें कुछ समानताएं दिखाना चाहती है। आज उन्हीं समानताओं पर हम कुछ मनन चिंतन करेंगे। जो पहली समानता है वो ये है, प्यारे भाइयों और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ में आदम वाटिका में शैतान ने जो प्रलोभन आदम के सामने रखा था उसे हम जंग का नाम भी दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार का जंग आज के सुसमाचार में भी देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो आदम वाटिका है और तो दूसरी तरफ आज के सुसमाचार के अनुसार मरुभूमि की वाटिका है। एक तरफ तो आदम है जो यह जंग बुरी तरह हार चुका था, परास्त हो गया था, तो दूसरी तरफ प्रभु यीशु है जो नया आदम है, जो परास्त होने नहीं बल्कि आदम के हारी हुई संतान को जीत दिलाने के लिए आया है। जैसा कि प्रभु कहते हैं आज के वचन में, हमने सुना है, सुसमाचार में सुना है, प्रभु यीशु ने ईश वचन रूपी शस्त्र को लेकर शैतान को परास्त किया। संत योहन का पहला पत्र के अनुसार प्रभु का वचन कहता है, मानव पुत्र संसार में इसीलिए आया ताकि वो शैतान के कार्यों को नष्ट कर सके। जैसा कि वचन कहता है, मानव पुत्र संसार में इसीलिए आया ताकि वो शैतान के कार्यों को नष्ट कर सके। यह प्रभु यीशु के आगमन का तात्पर्य हमें समझाता है। दूसरी समानता जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं वो ये है, प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने अपनी सृष्टि को इतना प्रेम किया कि उसने नहीं चाहा कि मानव की दुष्टता उसे नष्ट कर दे। और इसीलिए जब 40 दिन और 40 रात के जल प्रलय के द्वारा ईश्वर ने सृष्टि को नष्ट किया तो उसे अत्यंत दुख लगा और इसीलिए उसने एक विधान को प्रकट किया और कहा, देखो इंद्रधनुष को देखो, ये मेरे विधान का चिन्ह है, आज से अब से मैं इस सृष्टि को नष्ट नहीं करूंगा। प्रभु यीशु के जीवन में भी बिल्कुल यही बात होती है। जैसा कि प्रभु का वचन हमें बताता है, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16, प्रभु कहते हैं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त कर सके। और यही बात आज होती है। प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात प्रार्थना और उपवास करने के बाद में वो दूसरी विधान स्थापित करते हैं। और ये जो दूसरा विधान है, मानव जाति का नाश के लिए नहीं बल्कि उनके उत्थान के लिए है, उनकी मुक्ति के लिए है। तीसरी समानता जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर ने जल प्रलय के द्वारा अपनी सृष्टि की दुष्टता नष्ट कर डाली और उसे एक नया स्वरूप दे डाला। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु ने अपने नए जल प्रलय के द्वारा सृष्टि की दुष्टता को नष्ट कर डाला और उसे एक नया स्वरूप दिया। आप पूछेंगे, ये दूसरा जल प्रलय क्या है? ये जो दूसरा जल प्रलय है ये पहले जल प्रलय से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, महान है, अत्यंत महान है। और ये और कुछ नहीं बल्कि प्रभु यीशु के बगल से निकला हुआ जल और लहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अंत में जो समानता मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, आज के दूसरे पाठ में जीव जंतुओं के बारे में, नूह के परिवार के बारे में हमने सुना
ईश्वर ने जीव जंतुओं के साथ साथ नुआ और उसके परिवारों को सुरक्षा प्रदान की एक कश्ती के द्वारा। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में भी एक कश्ती है और वो कश्ती है माता कलीसिया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के संस्कार बपतिस्मा के द्वारा हम इस कश्ती के भागीदार बन जाते हैं, इसके सदस्य बन जाते हैं। और जिस प्रकार ईश्वर ने जीव जंतुओं के साथ नूह के परिवार की रक्षा की, उन्हें मुक्ति प्रदान की, विश्वास करते हैं हम कि प्रभु यीशु के संस्कारों और माता कलीसिया के द्वारा हमें भी मुक्ति प्राप्त होगी। इस चालीसा काल के दौरान मेरी यही प्रार्थना है कि आपका चालीसा का काल सुखद और आशीर्वाद भरा हो। सबों को जय श्री।